बीते दिन लुधियाना पुलिस ने बैंक डकैती और लुट खोह करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश करदिया गिरोह के तीन मैंबरों को काबू किया, जबकि गिरोह के दो मैंबर पुलिस की गिरफ्त तो अजे भी बाहर दसे जा रहे हैं। दोषियों को पुलिस को नजायज असला से लुटे गए मोटरसाइकिल मोबाइल फोन आदि बरामद हुए हैं। इस बाबत प्रेस कॉन्फ्रेंस करदिया पुलिस कमिश्नर ने दसिया कि गुप्त सूचना के आधार से बैंक डकैती लुटा खोआ करने वाले इस गिरोह के तीन मैंबरों को काबू कर लिया, जबकि बाकी के मैंबर इस गिरोह के फिलहाल फरार ने। उन्होंने कहा कि दोषियों के कब्जे के सानू एक पिस्टल देसी 32 बोर ते एक देसी कट्टा 315 बोर ते 13 जिंदा कारतूस ते 32 बोर दे नाल दो जिंदा कारतूस ते 312 बोर दे नाल होर काफ़ी कारतूस भी बरामद होए ने। उस दे नाल ही उन्होंने दसिया कि दो पहिया वाहन 5 मोबाइल 50,000 रुपए की नकदी 2 किलो 600 ग्राम नशीला पाउडर भी इन्हों को बरामद होया। SSP ने जानकारी दिंदिया दसिया कि दो दोषी जो अजे SSP ने जानकारी दिंदिया दसिया कि दो फरार दोषियों नू काबू करन दे लई साडे वालों छापेमारी की जा रही है ते जल्द ही उन्होंने गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लुधियाना कमिश्नरेट पुलिस ने कल फोकल पॉइंट के एरिया में सल्फर फैक्ट्री के इलाके में जाकर के छापामारी करी थी कि वहाँ पे गैंग व्यूहबंदी कर रहा है जो कि डाके वगैरह और क्राइम्स में इन्वॉल्व है। उस छापामारी के ऊपर हमने 3 लोगों को मौके से गिरफ्तार कर लिया था, 2 लोग फरार हो गए थे। इसमें एक अनिक लाल करके एक व्यक्ति है जो कि बंगाल का रहने वाला है, उत्तरी दिनाजपुर का। उसके पास जो है हम लोगों को ये पता चला है कि वो पहले भी क्राइम में इन्वॉल्व रहा है। उसके साथ में एक ऋषु और राजकुमार नाम के 2 शख्स और हमने पकड़े। इन लोगों से जो है कुल मिलाकर के 2 वेपन बरामद हुए हैं नजायज। इनमें एक 315 बोर का वेपन है जिसके साथ में 2 लाइव राउंड्स हैं, एक पिस्टल है 32 बोर का जिसके साथ 13 लाइव राउंड्स हैं। इसके अलावा इनसे 5 स्नैच करे हुए मोबाइल, क्योंकि इन्होंने अलग अलग जगह से स्नैचिंग की वारदात में स्नैच किए थे, 2 मोटरसाइकिल्स जो इन्होंने अपने जो करे हुए उनके ऊपर, एक में सानेवाल में ऑलरेडी केस रजिस्टर्ड है, और इसके अलावा पहले भी इनके साथ में कई वारदातें इन्होंने करी उसके खुलासे हुए। तो जो मेन वारदात इसमें निकली है उसमें पता चला है कि एक फिनो बैंक की जो है इन्होंने डकैती करी थी, जिसमें कुल मिला के 6 लोग शामिल थे, और ये 5 के अलावा इसमें एक दीपक यादव करके दीपक मेंटल एक शख्स जो शामिल था, वो पुलिस ने जो है इनको प्रोडक्शन वारंट पे दिल्ली से लाया हुआ था, वो ऑलरेडी हमारे पास में इन कस्टडी था। तो जो ओवरऑल टोटल 6 बंदे जो इसमें इन्वॉल्व थे उनमें से 2 लोगों को छोड़ करके 4 लोग अब हमने इसमें अरेस्ट कर लिए हैं फिनो बैंक केस में, जिसमें करीब 4,60,000 रुपये लूटे गए थे और इन लोगों से 50,000 रुपये कैश भी इसमें इमीडिएटली बरामद हुआ है। आगे जो फरार हुए लोग उनको हम पकड़ने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। सर आपने बताया कुछ साल पहले गिल रोड पे एक डकैती हुई थी, तो होने के लिए उससे भी कोई बंदा जुड़ा? देखो इसमें जो इनकी पूछताछ पे पता चला है कि जो अनिक लाल है, राहुल है, ये लोग पहले भी एक केस के अंदर इन्वॉल्व हुए हैं जो पिछले साल 327/2021 का केस था, जिसके अंदर की एक मनी एक्सचेंजर जो था इन्होंने लूटा था, और 2015 के अंदर इन्होंने एक मुथूट गोल्ड लोन कंपनी गिल रोड के ऊपर उसकी वारदात को अंजाम दिया था, जिसमें इन्होंने भारी मात्रा में गोल्ड लूट करके ले गए थे, और उसके बाद इन्होंने बांट लिया था और फिर अलग अलग हो गए, और बाद में मोस्टली लोग इसमें से ये लोग अरेस्ट भी हो गए थे। लुधियाना शहर ही क्यों उनके टारगेट पर जाता है, दिल्ली के बाद लुधियाना ही जाता है? लुधियाना शहर के अंदर इन्होंने 2-3 कारण बताए। तो माइग्रेंट पॉपुलेशन हर तरीके की, हर स्टेट की यहाँ पे आई हुई है, जिस करके इनका जो है आम पॉपुलेशन में घुल मिल के रहना बड़ा आसान हो गया है। दूसरा ये कि जहाँ पे किराए पे मकान या कोई कमरा लेते हैं उस जगह पे इनको बहुत आसानी से मिल जाता है यहाँ पे, क्योंकि आम तौर पे इस तरीके की यहाँ पे चलन है कि जो बाहर से आती है लेबर वो मकान लेती रहती है और बीच बीच में जाती रहती है। तो एक तरीके का ये हमारे लिए संदेश भी है कि जो लोग यहाँ पे अपने मकान किराए पे दे रहे हैं वो इस चीज़ का ज़रूर वेरिफिकेशन रखें, डिटेल्स रखें, इन लोगों की फ़ोन नंबर्स रखें, वेरिफिकेशन करी हो उन्होंने कि कौन किस तरीके का आदमी आकर के रह रहा है, और कम से कम उसके कुछ रेफरेंसेस, कुछ घर वालों के फ़ोन नंबर और पक्के जो एड्रेस वेरिफिकेशन ज़रूर करके रखें। नहीं तो जो असला मिला है वो कहाँ से लिया? असला जो है इनके 2 साथी राहुल और दीपक, राहुल जो कुरुक्षेत्र का रहने वाला है और इस समय फरार है, उसकी तरफ से ज़्यादा अरेंज किया जाता था और वही यहाँ पे बीच में आता था। उसका अगले कुछ ठिकाने नोएडा वगैरह में भी बने हुए हैं। तो ये चीज़ अभी हम पूछताछ कर रहे हैं, जैसे ये